वेलनेस सेंटर के क्रियान्वयन के लिए शिमला में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने 2022 तक प्रदेश की सभी पीएचसी यूपीएचसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील करने का लक्ष्य रखा है। देश भर में बेहतरीन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को शुरू करने की योजना बनाई है। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2018-19 में 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से दो केंद्र चंबा में स्थापित कर दिए गए हैं। वेलनेस सेंटरों के क्रियान्वयन के लिए शिमला में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विपिन परमार ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक लक्ष्य के रूप में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पहचान की गई है और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में भी 70% बजट आवंटन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए करने की सिफारिश की गई है। कार्यशाला में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्ष 2022 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील हो जाएंगे और वर्ष 2018-19 में 132 पीएससी और यूपीएचसी को एचडब्ल्यूएस में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के अधीन के निमित्त जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ऐसा श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों में, विशेष करके जो हमारे हेल्थ सब सेंटर्स हैं या पीएससीज हैं, उनमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं, तो उसी बारे में यहां पर एक वर्कशॉप रखी गई है। और इस वर्कशॉप में दिल्ली से भी हमारे रजनी वैद्य जी आए हुए हैं। उन्होंने काफ़ी विस्तार से हमें, हमारे से क्या अपेक्षाएं हैं और आपको क्या करना है, टारगेट दे करके आज यहां से गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश भी स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में निरंतर अच्छी सुविधाएं दी जाएं, उस पैरामीटर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बढ़ नहीं रहे, अभी हमें शिखर की ओर पहुँचना है, ताकि हिमाचल प्रदेश को के लोगों को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और उस दिशा में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस देश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी कहते हैं, लगभग 1800 बीमारियां, 5 लाख रुपए का सोशल सिक्योरिटी, और उसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट ये हेल्थ वेलनेस सेंटर है। वो हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 2000 हेल्थ सब सेंटर्स को हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील करेंगे, और उसी तरह से जो पीएससीज हैं उनको भी हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।